भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने भाजपा नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेश चंदेल ने जहां भाजपा नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के कार्यकाल को विफल करार दिया। इस दौरान सुरेश चंदेल ने पार्टी से नाराज चल रहे कई भाजपा नेताओं के संपर्क में आने का भी दावा किया। प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्व पार्टी नेताओं द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी करने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हमीरपुर से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने अब भाजपा के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जहां सुरेश चंदेल ने भाजपा नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी करने के साथ ही चुनावों के दौरान उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर छोड़ने का आरोप लगाया, तो साथ ही हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कार्यकाल को फेल करार दिया है। हमीरपुर पार्लियामेंट की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद थे वो अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में विफल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क नहीं कर पाए और जनसंपर्क ना कर पाने के कारण लोगों के बीच में जो गुस्सा है उसका प्रकटीकरण 19 तारीख को एक ज़रूर होगा, ऐसी मुझे आशा है। कार्यकर्ता और पार्टी के अंदर काम करने वाले लोगों को जैसे बंधुआ मजदूर समझ के चुनावों के समय वो केवल चुनावों के लिए उपयोगी उपकरण है, उसके बाद उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की जो कार्यशैली में बदलाव आया है वो निश्चित तौर पर मुझे चिंतनीय लगता है और इसके कारण ही पार्टी के अंदर बहुत लोग परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। सुरेश चंदेल का दावा है कि पार्टी नेतृत्व से खफा कई ऐसे भाजपा नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं और जल्द उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, जिसका लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। बीजेपी की कार्यशैली से कई नेता कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं, पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि यदि ऐसी यहाँ पर बर्ताव रहा तो वो भी अलग रास्ते पर चल करके अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो स्थिति में बहुत लोगों से बात हो रही है, कई लोगों से बातचीत हो रही है और यदि वो समय आने पर संभव हुआ तो उसका अच्छा लाभ होगा, और ऐसा मैं समझता हूँ। प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के संयोजक होने के नाते सुरेश चंदेल ने प्रदेश में राहुल व प्रियंका गांधी सहित पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की रैली आयोजित करवाने की बात भी कही। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से कैमरामैन अजय के साथ विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।